वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, पम्मी का फोन आ गया, वो बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तो गाइज, आज मैं नहा ली हूँ, जल्दी तैयार भी हो गई हूँ, सूट पहन लिया। आज मैंने 3 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। आज है मेरे चाचू का बर्थडे, मेरे दीपू चाचू जो है उनका बर्थडे आज। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर आपके पापा मतलब पंडित है तो आपके चाचू सरदार कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको गाड़ी में बैठ के आज क्लियर करूँगी, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता उनको मैं आज क्लियर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को सब चीज़ क्लियर रहे। तो ये हमें खा रहे हैं दोनों खाना, ये बैंक गए थे, अभी आए हैं। मम्मी पराठे बना रही है, मिट्टू सो रही है, नोना भी सो रही है। मम्मी को मैंने बुलाया कि हम चल रहे हैं चाचू के लिए गिफ्ट लेने आज, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया उनका बर्थडे है। उसने मेरे को बोला खुद लाएगी। तो गाइस चलो चलते हैं, मम्मी बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, बाकी बातें करेंगे हम गाड़ी में। निकल चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाड़ी में वेट कर रहे थे, तो मैं आ गई। अब हम लोग कैंप पहुंच चुके हैं। मैं इनका व्लॉग शूट कर रही थी, बहुत सीरियस टॉपिक पे व्लॉग आया इनका, कि सूट और पहले तो हमारे कपड़ों पर लड़ाई हुई है, फिर दूसरी मतलब डिस्कशन हुआ है, दूसरा हमारी घरेलू हिंसा। तो वो देखना आप जाके इनके वाले चैनल पर। और हाँ गाइस, अब बात आती है वो कि ये चाचू के घर के बाहर ही आ गए, हम यहीं पे रहते हैं ना चाचू कैंप में। तो गाइस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे, पूछते हैं कि आपके चाचू वो कैसे हैं। तो गाइस जो मेरे दीपू चाचू हैं वो मेरे पापा के बहुत पुराने फ्रेंड हैं, मतलब 14-15-16-17 साल पुराने, मुझे कंफर्म नहीं कितने साल। साढ़े पता ना गाड़ी लेके कैसे लेकर जाए, वो चलाने आती ना साले, हमें गाली नहीं देते जी। अरे कहीं भी ब्रेक मार ले अगला। हाँ ये गाइस हमारी ना मोस्टली टाइम ये होता है, दूसरा बंदा सही चला रहा हो, आगे वाले की वजह से ना पीछे वाले का एक्सीडेंट हो जाता है कई बार। अब हमारे आगे वाले भैया ने इतनी तेज ब्रेक मारी है, अब एकदम हम गाड़ी चला रहे हैं और बिल्कुल अभी गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड में, तो बताओ उसने एकदम आगे रोक दी, बिल्कुल आगे नहीं देख रहा, पीछे नहीं देख रहा। तो गाइस हाँ, चाचू की बात आती है, तो ये मेरे पापा के 15-17 साल पुराने फ्रेंड हैं, बहुत ज्यादा टाइम पुराने फ्रेंड हैं। जब मैं भी छोटी थी, अंशु गुन्नू भी बहुत छोटे छोटे थे, शायद अंशु था भी नहीं, तब से मेरे पापा के फ्रेंड है। तो कुछ रिश्ते खून से ज्यादा दोस्ती के अच्छे होते हैं, गहरे होते हैं, तो उसी तरीके से ये मेरे चाचू लगते हैं। मेरे सगे चाचू नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपके पापा पंडित है तो आपके चाचू पंजाबी सरदार जी कैसे हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि वो मेरे चाचू ऐसे हैं। और गिफ्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ब्रो मैं क्या लूं यार, क्योंकि मैंने आज तक लड़कों को कभी कुछ गिफ्ट नहीं करा, पम्मी को करें। पम्मी को तो 2-3 चीजें पसंद है, गाड़ी, फोन और गोल्ड। और गोल्ड लगता है तो खुशी ना होता, छोटे मोटे गिफ्ट होते तो आपके दूसरे तीसरे दिन का खेल है। तो इनको तो मैं यही चीजें गिफ्ट करती हूँ, तो ऐसे मुझे नहीं पता यार कितनी गालियां दे रहे हो यार, आप पागल तो नहीं हो? अब जब गाली दोगे मुंह पर लाल मिर्च लगाए करूंगी, गाली छुटवाऊंगी। अच्छा, तो लेके चला करूंगी। तो गाइस चलो गिफ्ट ले लेते हैं, इनकी गालियां छुटवाऊं। कमला नगर, और कमला नगर आते ही पहले मैंने लिया ये, मैं इनके ब्लॉग में बताया था ना कि मुझे लेना था, मेरे ना 2-3 टूट गए हैं, इसलिए मुझे ये वाला आर्टिफिशियल बहुत पसंद है। और अभी हम ले रहे हैं जीन्स और टी शर्ट चाचू जी की, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट ले लूँ, बाकी ये चॉइस कर लेंगे। भैया आपका नाम क्या था, मैं बोल रही मोहित, और गाइस हमारे मोहित भैया की दुकान पे साइज़ और मैं कुछ शॉपिंग करने आऊँ लड़कों की, और महाराज कुछ ना ले ऐसा हो नहीं सकता। तो एक टी शर्ट और शर्ट महाराज ने भी ले लिया है, और ये लिया मैंने चाचू के लिए कपड़े। मम्मी क्या क्या है इसमें? एक लोवर है, दो टी शर्ट है, दो जीन्स है, एक शर्ट है। हाँ बस यही समझ आया मुझे, जो आया मैंने ले लिया। अब हम चल रहे हैं गाइस घर के लिए। मंगलसूत्र भी मेरे को एक लेना था, वो मैंने अपना ले लिया। हेयर एक्सटेंशन लेने हैं मुझे, वो लूँगी। ले लो फिर, मैं थोड़ी आपको कुछ बस ले मत लेना, अब नहीं लिया तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा सजेस्ट करा था जब मैंने अपने हेयर फॉल वगैरह के लिए पूछा था कि एक बार मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई करो। पता है ये सब क्या हुआ था, जब मेरे पास इनका वो आया था ना कोलेबोरेशन, तब मैंने किया नहीं था क्योंकि मैं कुछ और यूज़ कर रही थी, आई थिंक मैं केश किंग यूज़ कर रही थी। तो अब मैं नेचुरल खुद यूज़ करके देखती हूँ कि कैसे है। आप लोगों ने मुझे बताया तो था, पर अब मैं ट्राई करती हूँ कि कैसा रहेगा, क्योंकि अब मैंने ठान लिया है मैं एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं कराऊंगी, नेचुरल हेयर ग्रोथ पे ध्यान दूंगी। तो मैं आपको अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगी घर जाके। मम्मी गए अभी गाड़ी के पास, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ उठा रहे हैं, गाड़ियाँ उठा ली ना तो सारा शैम्पू निकाल देगा मेरे को। मैंने मामाअर्थ का जो सामान लिया वो है मेरा ये रहा, और मामाअर्थ बोल रही हूँ तो प्रमोशन मत समझ लेना, और प्रमोशन पे चले भी मत जाना क्योंकि मैंने खुद खरीदा है यार। एक टाइम पे ये है कि हाँ भाई ये मेरे पास पेड प्रमोशन में आ रहा था, तब मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तब यूज़ नहीं करती थी भाई, और मैंने इनके रिजल्ट सुने नहीं थे। मैं केश किंग का ऑयल वगैरह यूज़ कर रही थी बीच में, जब मैंने हेयर एक्सटेंशन निकाले थे नोना के बाद, जब नोना हो गई थी तब इसका प्रमोशन कोलैब के लिए आया था मेरे पास यूट्यूब इंस्टा सब पे, तब मैंने कह दिया था अभी नहीं कर रही मैं, और ये मेरे पास तब खुद पैसे दे के आ रहा था
फ्री में मिलता, और आज मैंने खुद ही से पैसों में खरीदा है। बताओ आज इसका टाइम है, पिछले साल मेरा टाइम था, तब मैंने इसे ठुकरा दिया, आज ही आया, पैसों में खरीदना पड़ा मुझे। गाइस अभी हम यहाँ पे जूस पीने रुके हैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने का। मैंने इन्हें बोला मुखर्जी नगर ले लो, इन्होंने कहा नो, भीड़ रहा यार इसलिए। और दो लिपस्टिक भी लिया मैंने, घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया। और ये लिपस्टिक ना मैं मिट्टू के लगा के आई हूँ क्योंकि मिट्टू और गुनू रोज मेरा मेकअप लगाते हैं, तो आज मैंने मिट्टू की लिपस्टिक उठा के लगा ली। और भाई की हाल है सब लोगों के? नहा भी लेकर खुद ही। ओ सुन मेरी बात, नहाया हूँ, तू ज्यादा धूप पड़ रही है ना, मैं लुका रही हूँ। आ गया ना फिर देख, बस अभी भी बिना नहाए लग रहे अभी भी। आजकल मैं क्रीम लगा रहा हूँ ना, देख कितना फेस साफ हो रहा है, हकीकत में हो रहा है। और ये देखो महारानी इसके काम, इसे नहा रही मनीनु, इधर देख, ये मेरे साथ ही नहाती है, मतलब आज मैं नहा ली ना, वरना ये रेगुलर मेरे साथ नहाती है, इसे मैं ही नहलाती हूँ, मेरे साथ नहाएगी, जितना मैं नहाऊंगी इसका छोटा सा कपड़ा उसे लेके नहा दी रही मेरे साथ। और मैंने चेंज कर लिया, मैं तो सुबह ही नहा ली थी, तो अब मैं इसको नहला रही हूँ क्योंकि फिर इसको ना किसी ने नहलाया नहीं, तो चलो मैं इसे नहला लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर आपको अपने सामान दिखाऊंगी जो चाचू भी लाई हूँ और जो प्रोडक्ट्स भी लाई हूँ। गुड़िया नहा ली और किसके ड्रॉ में देखो, चलो उठो, हटो यहाँ से, हटो हटो ना, ठीक है ब्लॉग बना रही हूँ, कॉल मिट्टू करी हूँ, कॉलेज लग रहा है, वीडियो कॉल बातें कर रही हूँ, चुप जाओ लड़की, ठीक है मम्मा। हाँ बच्चे, हाँ ऐसा नहीं, कपड़े पहनने, निन्नी आ गई, चल चल टॉवल में राखो के बैठ, बेटा बेटा पापा नहीं है, पापा गए, अभी आएंगे पापा, चलो कपड़े पहन लो, चलो गाइस में से कपड़े पहना दी, ऐसी ड्रामा कर रही है, नहने क्या नहीं, कपड़े पहन, कपड़े पहन, नहने मत कर, नहीं नहीं हो गई, लेना मम्मी पकड़ना, आ गई, अच्छा मत पहन लड्डू, अच्छा लाइक कर दे मम्मी के चैनल को, हाथ तो दबा रखे मैंने, नो ना नो ना, मम्मी के चैनल को ऐसे कर दे, करियो लाइक कर दे, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। बीच में ना एक्चुअली पार्सल आ गया था मेरा, तो पार्सल लेने लग गई और दिखा नहीं पाई, तो मैं लेके आई हूँ ये दो टी शर्ट, मैंने खोल नहीं सकती क्योंकि मैं पहले ही दूसरी पैक करवा के लेके आई थी, कि मुझे मैं ना मतलब गिफ्ट रैप वगैरह तो अब छोड़ ही दिया करवाना, बचपन में कराते थे। और एक लोअर, मम्मी ये लो पन्नी में डालो, और गाइस इसमें है एक जीन्स, और उसमें है वो, उसमें दिखाना क्या है, उसमें एक शर्ट है, दिखाना वो फॉर्मल के साथ पहनी जाएगी, पर फॉर्मल पैंट ना मुझे फिटिंग में समझ नहीं आ रही थी, एक ब्लैक जीन्स है, एक ब्लूइश शेड में, और ये वाली शर्ट है जिसपे ना ये वाला प्रिंट है। पूछा था मैंने उनसे, वो कह रहे ऐसे ही पहनता हूँ मैं चाचू से, मैंने तो फोन करके पूछ लिया था, मैंने कहा आपका साइज क्या है, तो कह रहे 32, मैंने कहा आप कौन सी पहनते हो, नैरो या क्या, तो उन्होंने जो बताई वैसी ले ली पम्मी को, तो पम्मी को जैसी आई उन्होंने बोला ऐसी ले ले, ऐसी पहनते हैं। और गाइस जो अपना सामान लाई हूँ वो भी दिखाती हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ी, मैं अब आपको दिखाती हूँ ये जो मैं मामा अर्थ के थैले में भर के लाई हूँ। तो गाइस फर्स्ट मैं लेके आई हूँ ये अनियन ऑयल, उन्होंने मेरे को बोला बहुत अच्छे से गाइड किया यार इन लोगों ने, कि मतलब अगर आपको लगे ना आपके बाल ड्राई हो रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो एक बार बताना, क्योंकि मैंने बताया मुझे डैंड्रफ भी बहुत है। उसके बाद ये आ गया हमारा कंडीशनर, ये भी सेम है अनियन वाला, विद अनियन एंड कोकोनट, ओके। एंड फिर मैं लेके आई हूँ शैम्पू, ठीक है गाइस। और फिर यार ना मेरे को ना 2500 रुपये का बिल बनाना था अपना, उसमें ना फिर आपको डिस्काउंट मिलता, ठीक है, मतलब 25 मिलता अगर आपका, 25% डिस्काउंट मिलता अगर आपका 2500 का बिल होता, तो मेरा 2200 का हो रहा था, फिर मैंने 2500 का बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक फाउंडेशन जो कि है ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक, जो मेरा फेस शेड है उसके हिसाब से, इसके बार भी 599 है, और ऑयल की MRP 419 है, और शैम्पू की है MRP 349, और कंडीशनर की है 349। और उसके बाद गाइज मैं लेके आई हूँ दो लिपस्टिक, एक क्रीमी मैट एक लिक्विड मैट, तो इन सबका मेरा बिल बना था, जो टोटल बिल मैं आप लोगों को बताती हूँ, टोटल बिल मेरा बन रहा था यहाँ पर 2700 रुपये का, ठीक है। उसके बाद मेरा 2700 रुपये का बिल बन रहा था, मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये पड़ा है 2036 2036 रुपये का। और आज मेरे ये पैसे भी नहीं लगते, जो थोड़ा टाइम पहले मैंने इन्हें मतलब जब ये मेरे को फ्री में आ रहे थे वो मार के तब ले लिए होते, तो आज मेरे ये पैसे भी नहीं लगते, पर मुझे शौक था पैसों में लेने का, तो मैं पैसों में मिल गया। तो यही प्रोडक्ट्स थे मेरे, बाकी अब आप लोग देखना
यूज करूंगी। उन्होंने बोला 15 डेज बाद आप हमें बताना कि कैसे है। अभी आप लोग मत लेना, जो लोग यूज कर रहे हैं ठीक है मुझे बताना मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, बट मैं पहले यूज कर लूँ तब आप लोगों को बताऊंगी कि लिपस्टिक फाउंडेशन आज शाम को यूज करूंगी कैसे हैं। फिर आप लोग भी यूज करना, अगर अच्छे होंगे तो मैं बताऊंगी पक्का, अच्छे नहीं होंगे तो भी बताऊंगी, क्योंकि प्रमोशन नहीं है ना ये, इसलिए प्रमोशन होता तब भी मैं जेन्युइन ही बताती हूँ। वैसे जब मुझे कोई चीज ठीक नहीं लगती ना तो मैं खुद ही मना कर देती हूँ, मैं बार बार उसको प्रमोट नहीं करती। तो आज हम करेंगे ये सब प्रोडक्ट्स धीरे धीरे यूज और 15 डेज में आपको रिजल्ट बताऊंगी, तब आप लोग भी अगर सस्ते हैं वैसे ले सकते हो, अभी ऑफर भी चल रहा है। और ये देखो ये पार्ले जी बिस्कुट निकाल निकाल के फेंक रही है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आज चाचू का बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं पार्टी के लिए, पता नहीं पार्टी कहाँ पे है, जहाँ पे नोना का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना वहीं पे आसपास है पार्टी। तो हम लोग जा रहे हैं, मेरे पास नए कपड़े नहीं थे तो मैंने ये एक बार पहना हुआ है कोट सेट, तो आज मुझे दोबारा सामने रिपीट करना पड़ा। मिट्टू की गाड़ी में है मिट्टू, नितेश, पुनीत, गुणवंशु और हमारी गाड़ी में है नोना, मम्मी पापा, मैं और ये। चलो मंदिर देखो, चाचू चाची पहले पहुंच गए हैं लोकेशन पे, ये रहा बेला सियाओ, हम आए नहीं बेला सियाओ, बेला चियो आए गाइस। और आज ये है लोकेशन जहाँ हम आए हैं। लेट लतीफ क्या है भाई, मेरी आंखें दिख रही हैं, इतना रोई हूँ ना मैं आने से पहले। गुन्नू ने बालों में पीछे से आपा हो गया, बालों में पीछे से नकली लगाती है, उसने मुझे नहीं दिए और फिर उसने मुझे जलील अलग करा। अरे मेरा दबदबा थोड़ा कम क्या हो गया, आप सब चौड़े होने लगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब लोग आ रहे हैं, इसने वहाँ बंद करा अभी कैमरा। मैं बोल रही कि गाइस अभी देखना सब आएंगे, सबके कैमरे ऑन होंगे। ये चाची है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि छोटी बच्ची है पर नहीं है, मेरी फ्रेंड है। और ये अंशु है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। उठ गई, उठी चिज्जी, चाची मुझे अपनी फैमिली दिखा रही है क्योंकि भाई मैंने देखी ना मैं शादी में जा पाई इसलिए, है ना। अपनी शादी वाली फोटो दिखाओ, शादी वाली कहाँ गई, वो ब्राइडल वाली। और गाइस यहाँ पे हमारे ये आ गए मोजीतोस कलरफुल, ये रही गाइस देखो, गाना मैंने बंद करा कॉपीराइट आ जाए। गाइस ये थी चाची की शादी, उस टाइम पे हम इसलिए नहीं गई, मैं नहीं गई थी, पापा और नहीं तो सब गए थे क्योंकि मेरे नोना के जस्ट हुई हुई थी शायद, ऐसा कुछ था। ये है ये मैच हो रहा है, इसलिए मैं आपको व्लॉग में दिखाना ही भूल गई, दबा के उधेड़ दिया। एक बार प्लेट टेबल साफ हो गया, दोबारा आया पिज्जा चाप वेज नॉन वेज और नोना वहाँ खेल रही है। पहले तो नोना का मूड ऑफ था, ठीक हो गया, सॉन्ग चल रहे ना इस वजह से कम ले पा रही हूँ। उधर बैठे मम्मी चाचू चाची पापा, इधर हम सब खत्म हो गए। और ना हम लोग अभी क्या हुआ, एकदम से प्लान बना नीचे जाने का, नीचे वाले फ्लोर पे, भाई अभी तक आंखों के आगे लाल बत्ती झूम रही है, वो देखो पीछे से चाची भी हंस रही है, मम्मी मैं और चाची हमारे तो तीनों के सर घूम गए। नीचे इतना तगड़ा लॉन्जर है, एकदम धपक 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 गाने और लाइटें हो रही हैं, क्लब हाँ सॉरी क्लब भाई पूरा वहाँ क्लबिंग चल रही है, लड़कियाँ वड़कियाँ सब हैं। तो भाई सर हमारा दशक दस हो गया, आदमी हमारे दारुएं चल रही है, आदमी हमारे ऊपर लाने मुश्किल हो गए। मैं तो मम्मी को पकड़ पकड़ के, नहीं नितेश और अंशु नहीं आ रहे थे, पुनीत नहीं आ रहा था, अब यहाँ आके लाडला बन के दिखा रहा है। और अब हम फिर ऊपर आ गए वापस, क्योंकि भाई नीचे तो हमारे लायक माहौल ही नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लबिंग थी वहाँ पर, ये थोड़ा फैमिली सा ही है। चुका है खाना, अब डिनर टाइम हो गया है। और टाइम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, टाइम हो रहा है गाइस 12:51। और ये देखो अंशु बदतमीज हो रहा है, खाना ही पापा यही देख रहे हैं, अंशु अंशु एक बार डुका भी रहा, पापा को देख रहा, जीजा भी देख रहा था, जीजा तो यार है लात मार, नितेश भी ओए पम्मी मैं भी एक बार पी लूँ, कभी नहीं पिया मैंने जिंदगी में, पी लूँ जी एक बार, हैं मैं कभी भी ना पीऊँगी क्या हुक्का हुक्का, तो सब पी मैं फ्लेवर हुक्का, मेरा आदमी मैंने पी नहीं ना देता।
देखो मिट्टू को बच्ची हो के उक्का पी रही है। मिट्टू एक बार पेट दिखाई हो यार, ये कैसा उक्का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मम्मी देखो वो भी तो पी रही है, मिट्टू मेरे से छोटी है। अच्छा चाची ट्राई नो यार, मुझे भी ट्राई करना, ये करने नहीं देते पम्मी यार। नहीं यार सब कुछ मेरे लिए मना है। बेबी इधर आओ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरे दो तीन बच्चे हो जाएंगे तब पीऊंगा। इनके कान में, सॉरी क्या दांत में बहुत तगड़ा वाला दर्द हो रहा है, इन्होंने लॉन्ग रखी हुई इसलिए बोल रही है। अच्छा ऐसे बन गया ना, जब मेरे दो तीन बच्चे हो जाएंगे, बड़ी हो जाऊंगी तब भी नहीं पीऊंगी, तो मैं पीऊंगी ऐसे। अब टेबल जुड़ गए हैं। अंशु मौत ज़्यादा मत मार, चलो अब खाना खा लेते हैं सब मिलके। ब्लॉग में क्यों नहीं लूँ, कह रहा ब्लॉग में बैठ ले यार। कटिंग ये देखिए, तो चलो मैं रील बना रही हूँ, तो भैया को मैंने बुलाया, ये बनाएंगे वीडियो, ये यहीं के हैं। तो चलो गाइज अब केक कटिंग होती है। चल गए हैं घर के लिए, पार्टी हुई है जाके ख़त्म हमारी। आप लोगों को बताती हूँ 154 पे, मतलब ज़बरदस्ती हुई है पार्टी ख़त्म। और यार ये नोना डांस करते हो पूरे रास्ते, और अब हम घर जा रहे हैं। पापा और चाचू का वेट कर रहे हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो चाची को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। चाची का घर आ गया, कहाँ पे है मम्मी, हम कैंप में ना, और चाचू का घर इस साइड है। और फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इनकी दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी दवाई दिलवाएंगे। इनकी हालत देखो, और मैंने एक महीने से कह रही दवाई ले लो, पर ये सुनते ही नहीं है मेरी बात, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो अब लेंगे, चलो आ गए हॉस्पिटल और पूरी फैमिली आई है। डॉक्टर्स भी सोचेंगे, ये पार्टी में से आते हैं, खाते पीते हैं, फिर इनके दर्द हो जाते हैं। मम्मी तो दर्द के हमारे भी हाल हो रहे हैं गाइस। कितना आया मेरा? 70। मेरा उस दिन 65 आया था। और मिट्टू तेरे को इंजेक्शन लगवाना है पेन का? गाइस इसके पैरों का पेन ही नहीं जाता, इसे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मम्मी के लग रहा है इंजेक्शन, मम्मी को ऐसे लग रहा। अभी दिखाऊं? हाँ घर पे है, घर पे। अंशु कर गया? नहीं अंशु तो पूरी इनके साथ कहीं और गया। मम्मी ओ पम्मी इधर देखना, पम्मी इधर तो देखो। आ गए घर, सबने कर लिया चेंज, ये नोना मम्मी पापा। और गाइस पम्मी तो उधर वाले रूम में, कूलर वाले रूम में आते ही सो भी गए। और ना दोनों का इंजेक्शन लगा है, मिट्टू को भी, हम नशा होने वाला है, बस सोने वाली है। पम्मी का रेस्ट पे चले गए हैं, ये रेस्ट एंड पीस होने वाले हैं। ओए ऐसे नहीं बोलते तमीज, ये नहीं मां का, देखो तुम और बोलती हो। तो गाइस चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।